can I start first? Sir, this camera, please. Rao, sir, I want to know what is the subject of this film and what kind of role you are playing in the film as such? देखिए, इस फिल्म का नाम दासदेव है, तो जाहिर सी बात है कुछ देवदास की कुछ चीज़ें हैं, मगर ये देवदास नहीं है एग्जैक्टली. जैसे देवदास से के जो तीन पात्र हैं जो शरदचंद्र जी की नावल में है, देव, पारो और चंद्रो की, वो तीन कैरेक्टर्स इस फिल्म में हैं. और उसके बाद कुछ शेक्सपियर का भी अंदर डाल दिया सुधीर जी ने व्हाइल ही वाज राइटिंग इट. कुछ ख्याल उनको आया कि ये कहानी तो शेक्सपियर की हैमलेट से बहुत मिलती जुलती है, तो उन्होंने कुछ वहाँ से भी इंस्पायर हो गए. तो ये कहानी है, जैसे देवदास थी, देव से दास की जर्नी थी, ये जर्नी है दास से देव तक की. दास होता है, उसके बाद कैसे वो देव बनता है, तो रिवर्स जर्नी है. And how was the working experience? किस तरह का अनुभव था फिल्म में काम करने दौरान? कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट बता सकते हैं जब आपको वो यादगार बन गया होगा वो शूट? नहीं, देखिए, जब कोई भी फिल्म में कलाकार करता है तो उसके लिए वो फिल्म एक बहुत यादगार लम्हे की तरह ही होती है. और इस फिल्म में भी बहुत कुछ सीखने को मिला, और इसको बनते बनते बहुत वक्त लग गया, क्योंकि बहुत ही छोटी फिल्म नहीं है, बहुत बड़ी फिल्म है. एक क्लासिक नावल का इंटरप्रिटेशन करना और उसको पर्दे पे उतारना बहुत ही मुश्किल काम होता है, और इसको बनते बनते एक डेढ़ साल लग गया. हमने लखनऊ में शूटिंग की, अयोध्या में शूटिंग की, दिल्ली में, फिर बॉम्बे में भी की, तो बहुत ही मज़ेदार रहा यह सफ़र. एंड सो व्हाट अबाउट सुधीर सर एज अ डायरेक्टर, किस तरह से मेंटोर किया, गाइड किया आपको उस पर्टिकुलर रोल के लिए? सुधीर सर क्या है, एक एक्टर के लिए बहुत ही समझ लीजिए कि एक वरदान है किसी एक्टर के लिए, एक बूंद है. वो कहते हैं ना, हर एक्टर एक 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 ढक्कन में बंद होता है, वो उसका ढक्कन खोल देते हैं. तो वो उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने को मिला. एक एक्टर मैं समझता हूँ कि हम लोग एक रॉकेट की तरह होते हैं, और दो तीन इंजन जल जाते हैं और जब हम स्पेस में पहुँच जाते हैं, लेकिन स्पेस में एक बार पहुँच गए तो एक डायरेक्टर का काम होता है, वो एक ऐसे प्लैनेट की तरह होते हैं जो अपनी ग्रेविटेशनल पुल से आपको खींचता रहता है, फिर आपको ईंधन की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो सुधीर जी एक ऐसे ही विशाल किसी प्लैनेट की तरह है, तो उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया. सर, डू थिंक इन द लास्ट 10 ईयर्स द माइंड सेट ऑफ व्यूअर्स हैव चेंज? क्योंकि पहले की अगर बात करें तो यू नो पीपल लुक फॉर स्टार्स एंड ऑल बिग बजट मूवीज एंड ऑल दिस थिंग. आजकल कॉन्टेंट ड्रिवन फिल्म आता है, यू नो जो ऑफबीट फिल्म्स होती है वो ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, कुछ डिफरेंट देखना चाहते हैं लोग. देखिए, ये कहना भी गलत है कि पहले मतलब ऐसा काम हो नहीं रहा था. पहले भी श्याम बेनेगल जी थे, पहले भी केतन मेहता थे, पहले भी बहुत बड़े दिग्गज डायरेक्टर रहे हैं, बासु भट्टाचार्य, कितने डायरेक्टरों ने कितना बहुत पहले भी कमाल की एक्ट्रेसेस रही, स्मिता पाटिल, शबाना आजमी उस ज़माने में रही है. तो आज कुछ क्या नया हो गया मेरी समझ में नहीं आता, ऐसी बात कुछ भी नहीं है. मुझे लगता है पहले भी बहुत दिग्गज कलाकार थे, पहले भी पैरेलल सिनेमा था, आर्ट सिनेमा था, सारे ऑडियंस तब भी कमाल की थी और आज भी कमाल की है और कल भी कमाल की ही रहेगी, ऐसी कोई बात नहीं. लेकिन हाँ, अब एक जो जैसे कि वक्त के साथ बदलाव आ जाता है, वो बदलाव होता है तरक्की का, उन्नति का. जैसे कि अब हाँ, हम देखते हैं कि मल्टीप्लेक्सेस आ गए हैं, सिनेमा काफ़ी खुले हैं, हालांकि अब भी बहुत कम है. तो मुझे लगता है कि उससे फ़र्क मिलता है, और एक अब एक वेब का प्लेटफॉर्म खुला है, एक इंटरनेट खुला है, यूट्यूब आया है. अब आपको अब अगर अपनी कला दिखानी है तो माध्यम बहुत है दिखाने के लिए. सर, यू बीइंग पार्ट ऑफ द फिल्म फैमिली में एक कंसेप्शन होता है कि जो बाहर से आते हैं उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है. मैं कश्मीर से आया हूँ, और मैं मेरा कोई भी फिल्म फैमिली से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है. मेरा नाम राहुल भट्ट जरूर है, ये भट्ट समझते हैं, उनको लगता है कि महेश भट्ट से कुछ नाता है. लेकिन महेश भट्ट से मेरा नाता होने वाला है, क्योंकि मैं उनकी फिल्म करना चाहता हूँ. तो मैंने उनको बोला है कि भाई आप मुझे फिल्म करवाइए अपनी, अब जो ये नाता जो लोग जोड़ रहे हैं आपसे, तो मुझे लगता है वो भी जल्दी ही होगा. लेकिन मैं कश्मीरी पंडित हूँ, मैं कश्मीर से आया हूँ, मेरा दूर दूर तक फिल्म वर्ल्ड से मेरे ख़ानदान का कोई ताल्लुक नहीं रहा है. लेकिन मैं बचपन से एक्टर बनना चाहता था, और बहुत कम उम्र में मैं यहाँ आया. मैं सिर्फ 18 साल का था जब मैं
बम्बई आया, और उस टाइम पे बॉम्बे होती थी, अब तो मुंबई हो गए। तो मगर मैं लकी रहा, मैं मिस्टर इंडिया में बेस्ट फोटोजेनिक फेस मुझे मिला। उसके बाद मैंने कई एड फिल्म्स की, कई प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, फिर एक मशहूर सीरियल था हीना जिसमें मेरा मुख्य किरदार था, वो मैंने किया 5 साल तक। उसके बाद उमेश मेहरा जी की ये मोहब्बत है कि फिर नई पड़ोसन नितिन मनमोहन जी के साथ की। उसके बाद मैंने 7-8 साल का अंतराल लिया क्योंकि मैं समझ रहा था कि वैसी फिल्में मुझे मिल नहीं रही थी जो मुझे चाहिए थी और जो मैं करना चाहता था। तो उसके बाद अनुराग कश्यप साहब आए मेरे पास एक दिन और उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे लिए एक फिल्म है, उस फिल्म का नाम अगली था, और अगली से मैं वापस, मेरी रिबर्थ हो गई। और उसके बाद प्रकाश झा जी के साथ गंगा जल, अभिषेक कपूर के साथ फितूर, और अब सुधीर मिश्रा जी की दास देवकर। बट यू नो अकॉर्डिंग टू मेनी इंडिविजुअल द की फैक्टर इज पेशेंस फॉर एन एक्टर। तो किस तरह से अगर कोई आता है मुंबई शहर में एक्टर बनने के लिए, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट रियली मैटर्स फॉर अ पर्सन टू बिकम एन एक्टर? देखिए हम लोग जो छोटे शहरों से यहाँ वहाँ से आते हैं यहाँ बम्बई, अच्छा सवाल है, मुंबई में आते हैं और हम क्या बचपन में अमिताभ बच्चन या अभी शाहरुख खान और सलमान की फिल्में देखकर लोगों को लगता है हम भी कुछ शाहरुख सलमान टाइप के वहाँ होके बॉम्बे जाएंगे और कुछ ऐसा होगा। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ सारे जितने भी नए कलाकार हैं जिनको कला के क्षेत्र में आना है, बम्बई आना चाहते हैं, यहाँ अपनी तकदीर को आजमाना चाहते हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई इधर भी पढ़ाई करनी पड़ती है, एक्टिंग भी एक पढ़ाई है। आप पढ़िए, आप किताबें पढ़िए, कॉन्स्टेंटिन स्टैनिस्लावस्की की किताबें पढ़िए, आप एग्रोस करिए, आप कई जितने आप अध्ययन कीजिए, आप उस पर रिसर्च कीजिए। एक्टिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये जो मैं भी जब आया था तो ऐसे ही उठ के मतलब लगता था कि मैं तो अमिताभ बच्चन, और असल में ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ आके फिर पता चलता है कि कितना मुश्किल है। और मैं सिर्फ यही आग्रह करता हूँ जितने भी बच्चे हमारे आना चाहते हैं कि आप बेशक आइए लेकिन तैयारी के साथ आइए, क्योंकि आज के जो बच्चे आप देखेंगे, चाहे वो टाइगर श्रॉफ है या चाहे किसी ने, इन बच्चों में कुछ लगन है, इनमें कुछ निष्ठा है, इनकी कुछ बात अलग है, और ये बहुत ही मेहनत करते हैं। अगर आपको एक्टिंग नहीं आती तो कुछ और क्षेत्र में आप मेहनत करते हैं, मगर आप कहीं ना कहीं नंबर वन है किसी न किसी अपने एक एरिना में, अपने एक किसी फील्ड में, चाहे वो जिम्नास्टिक्स है या चाहे वो डांसिंग है, चाहे वो एक्शन है, किसी एक चीज़ में। और ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, तो एक्टिंग करना कोई आसान बात नहीं है। अब एक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इससे अच्छा इंजीनियर डॉक्टर बन जाओ या कहीं पढ़ाई वढ़ाई कर लो वो आसान है, यहाँ आओगे तो ये ज़्यादा मेहनत वाला क्षेत्र है। नहीं, मैं मेरा ये कहना है, देखिए कॉन्ट्रोवर्सी या कुछ ये सब बकवास खाते हैं, इनका दूर दूर तक कला के क्षेत्र से कुछ लेना देना नहीं है। कॉन्ट्रोवर्सी भी कुछ फजूल लोग क्रिएट करते हैं और उनका धंधा है और उनका काम है कॉन्ट्रोवर्सी करना, मगर किसी अच्छी फिल्म को किसी भी कंट्रोवर्सी की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी अच्छे काम को, किसी भी अच्छे अच्छी बात को, अच्छा काम हो, अच्छा अच्छी फिल्म हो, अच्छी किताब हो, अच्छी कहानी हो, अच्छा एक्टर हो, किसी भी अच्छे चीज़ को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको अपनी अच्छाई की ज़रूरत होती है। और कॉन्ट्रोवर्सी कुछ गधे करते हैं, कुछ बकवास लोग जिनका धंधा होता है वो करते हैं, किसी बड़े डायरेक्टर और बड़े एक्टर को कॉन्ट्रोवर्सी की ज़रूरत नहीं है। It's necessary for an actor to become, you know, part of a big production house or, you know, to get that kind of identity or a... नहीं, हाँ, बहुत सर, बहुत सही फरमाया आपने। सारे एक्टरों को बड़े किसी भी क्षेत्र में किसी भी काम को किसी बड़े आदमी की ज़रूरत होती है, इसमें नहीं बात क्या है, ये तो होता ही है कि भाई अब वहाँ तक कैसे पहुँचे। आप समंदर तक पहुँचना चाहते हैं तो आपको 2-4 दरिया मिलेंगे रास्ते में, 2-4 नदियाँ मिलेंगी, तो तभी जाएंगे आप समंदर। या तो आप समंदर की वेली हैं और वहीं पैदा हुए हैं और वहीं पले बड़े हैं और उसी में आप बड़े किसी प्रोड्यूसर के बेटे हैं या किसी बड़े स्टार के बेटे हैं, तो फिर आसान है, आप समंदर के अंदर ऑलरेडी हैं। तो मगर उसके बाद भी वेल बनना पड़ता है, उसके बाद भी निकलना पड़ता है, ऐसी बात नहीं छोटी सी मछली बन जाओगे तो कोई और वेल आके खा जाएगी आपको, तो ऐसी बात नहीं। उन लोगों को भी
प्रूव करना पड़ता है. अच्छा, वन मोर थिंग, पीपल इन द इंडस्ट्री और पीपल कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड इंडस्ट्री, यू नो, दे वैल्यू टैलेंट, समथिंग इज रिकॉग्नाइज्ड और यू नो वैल्यू. अकॉर्डिंग टू यू, डज पीपल इन द इंडस्ट्री वैल्यू टैलेंट एज सच? आई मीन, देखिए, पीपल इन द इंडस्ट्री और पीपल एनी वेयर, वो लोग जाए भाड़ में, हु केयर्स. अगर आप टैलेंटेड हो तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती. अगर वाकई में टैलेंटेड हो, बाकी इफ दे केयर, दे डोंट केयर, आई डोंट केयर, आई डोंट गिव टू वुड्स, हु केयर्स. मैं अपना काम करूंगा. अगर मैं टैलेंटेड हूँ तो मानना पड़ेगा सबको. टैलेंटेड ही नहीं हूँ तो बोलूंगा यार मान जाओ, ऐसे कैसे बात हो. और दूसरी बात है कि इंडस्ट्री में भी यार, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो इंडस्ट्री हो चाहे नॉट, चाहे कोई और इंडस्ट्री हो, हर क्षेत्र में आपका टैलेंट ही बोलेगा ना. आप अंबानी तब बनोगे, धीरू भाई अंबानी ऐसे थोड़ी बने थे, टैलेंटेड थे बहुत. तो पेट्रोल पंप पे काम करते करते बन गए धीरू भाई अंबानी. आज़ादी से ज़्यादा इंडस्ट्री उन्हीं की, आपको पता है. तो भाई, टैलेंट तो एक ऐसी चीज़ होती है जो कहीं से भी निकल के आ सकता है, और वो किसी का अधीन नहीं होता, उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती. और हाँ, बस उसके बाद किस्मत होनी चाहिए उसकी. तकदीर बहुत बड़ी बात है. अब किस्मत हुई तो उसको कोई मिल जाता है सहारा और आगे निकल जाता है, और किस्मत नहीं है बेचारे की तो आवर बेस्ट विजडम इज इन वेन अगेंस्ट फेट, जो रामायण में लिखा है श्री राजा गोपालाचार्य जी ने, कि भाई, देयर नेवर वॉज नॉर विल बी एन एंटीलोप ऑफ गोल्ड, येट रामा वेंट इन सर्च फॉर वन. भगवान राम भी गोल्डन हिरन के पीछे भागे थे. जब हम जानते हैं गोल्डन हिरन नहीं होता, आप भी जानते हैं, तो वो तो भगवान थे, वो भी गोल्डन हिरन के. तो तकदीर ऐसी बात होती है जो आपको गोल्डन हिरन के पीछे लगवाती. तो तकदीर और किस्मत के सामने जो है, बड़े बड़े दुरंदर फेल हो जाते हैं, और अगर तकदीर हुई तो आप बन जाते. And lastly, besides this project, are you looking some other scripts as well? जी हाँ, कई चीज़ें मैं कर रहा हूँ, और अब मैं रुकूंगा नहीं. जो मैंने 6-7 साल का अंतराल लिया था बीच में, मुझे लगता है गलती भी थी, और लेकिन वो आक्रोश में, जिद में लिया था मैंने. लेकिन अब मैं यहाँ हूँ, और मुझे वो 6-7 साल का जो गैप है वो भी पूरा करना है. तो मैं साल की 2-3 फिल्में करता रहूँगा, ये बात पक्की है. थैंक यू.